तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है किसी के बर्थडे का डिजाइनिंग अपने पिक्सल ऐप से कैसे बना सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बनाया हुआ है, तो ये जो डिज़ाइन है आपको कैसे बनाना है अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल ऐप से, तो आज के इस नए वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो डिज़ाइन है इसको बनाने के लिए जो भी PNG यूज़ किया गया है, जो भी यहाँ पर PLV फाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें जो पासवर्ड लगा रहेगा, पासवर्ड आपको वीडियो में तीन जगह पर के बताया जाएगा। पासवर्ड एक है, पासवर्ड दो है, पासवर्ड तीन है। तो आप जो है वीडियो के साथ बने रहिए, कैसे आपको डिजाइनिंग करना है, कैसे बनाना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट टाइम न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको बनाना है उसके लिए आप जो इस वीडियो को देखिए। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले अपने पिक्सल ऐप में चले आना है। आने के बाद आपको जो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे के साइड जो है वहाँ पर फोर्थ नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने मेरे लिंक से डाउनलोड किया रहेगा। तो जो फोल्डर रहेगा उसका नाम रहेगा खेसारी लाल करके, और यहाँ पे आपको इस फोल्डर में कुछ इस तरीके का PNG देखने के लिए मिलेगा। ये सारे PNG को ये आपको यूज करना है अपने डिजाइन को बनाने के लिए, बैनर पोस्टर डिजाइन को बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो आपका PNG आता है आपका जो बैकग्राउंड, जिसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये जो न्यू टेस्ट है इसको सिलेक्ट करके एक ही ऑप्शन जैक डिलीट कर देना है और यहाँ पर आपको ऐसे ही सारा PNG ओपन कर लेना है फटाफट। तो चलिए यहाँ मैंने आपको जो भी सारा PNG दिया हुआ है इस डिजाइन को बनाने के लिए, वो सारे PNG को एक एक करके यहाँ पे फटाफट ओपन करके सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो में आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। इतना काम करने के बाद दोस्तों प्लस की ऑप्शन क्लिक करना है, सेव को सिलेक्ट करना है और इस सेव को यहाँ पे लाके रखना है और यहाँ से साइज आपको बढ़ा देना है, नीचे से भी आपको साइज बढ़ा देना है और यहाँ से आपको जो है ओपेसिटी का ऑप्शन 0 पे रखना है। लास्ट में आना है ये थर्ड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको जो है 4 तक बढ़ा देना है पासवर्ड 1 अपना जो स्ट्रोक आउटलाइन यानी सेव का। और बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपको लेयर की ऑप्शन भी आना है, अपने जो भी सेव बनाया रहेगा उसको नीचे लाना है, नीचे वाले को ऊपर करना है और यहाँ पे आपको जो भी आपने डिजाइन बना रहेगा, जो भी PNG ओपन किया रहेगा उसके लेयर पे आपको लॉक ऑप्शन है जिस पर क्लिक करके लॉक कर देना है। इतना काम कर लेना है आपको, प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है और यहाँ पे आपको अभी जो भी सारा PNG है उसको फटाफट ओपन करके सेट करना है। यहाँ पर जैसे ये वाला PNG इसको ओपन करके यहाँ पे सेट कर लेना है और इसी का आपको डुप्लीकेट ले लेना है यानी कॉपी और क्रॉप के ऑप्शन पर आकर इसको इस साइड में लेना है। राइट की जो ऑप्शन क्लिक करके इसको यहाँ पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है और यहाँ पे आपको ये वाला PNG मिलेगा कुछ इस तरीके का, जिसको क्लिक करके ओपन करके यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद लेयर की ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको अपने जो PNG अभी ओपन किया रहेगा उसको स्क्रॉल करके नीचे लाना है और ये जो आपका ब्लू कलर का शेप मिलेगा कुछ इस तरीके का, ये जो ए वाला शेप है इसके नीचे आपको लगे सेट कर देना है। लेयर की ऑप्शन क्लिक कर देना है और अभी आपको इस फोटो को सिलेक्ट करके चले जाना है जो है कलर फिल्टर की ऑप्शन पे। सेचुरेशन का ऑप्शन मिलेगा जिसको आपको यहाँ पे जो है -100 पे रख देना है, ऊपर राइट की ऑप्शन क्लिक कर देना है। इतना काम कर लेना है दोस्तों। और यहाँ पे चाहो तो आप ये जो फोटो आपने ओपन किया रहेगा इसका ओपेसिटी आप कम भी कर सकते हो या तो पहले जैसे है वैसा भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। इतना काम करने के बाद दोस्तों प्लस की ऑप्शन क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको जो है टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा जिसको सेलेक्ट करके एक न्यू टेस्ट ले लेना है और यहाँ पे आपको अभी करना क्या है, ये जो न्यू टेस्ट है आपका इसको सेलेक्ट करके एक ही ऑप्शन पे जाना है, एडिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो भी लिखा गया उसको कट कर देना है और यहाँ पे आपको जो भी डालना है वो डालोगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैप्पी बर्थडे करके और यहाँ पे जो मैं एक लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके डैश वाला और डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देता हूँ। इसका साइज मैं छोटा करके इसको मैं यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ जो है कलर के ऑप्शन पे। इसमें आपको जो भी कलर पसंद है वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो एग्जांपल आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे चलिए रेड कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से नीचे ओके कर देता हूँ और ऊपर मैं राइट के ऑप्शन क्लिक करके चले जाता हूँ फॉन्ट के ऑप्शन पे। जाने के बाद यहाँ पे चलिए मैं कोई एक नॉर्मल फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपके ऊपर है, जो भी आपको फॉन्ट पसंद है वो सिलेक्ट कर सकते हो। और अभी मैं इसी टेस्ट का कॉपी ले लेता हूँ, एक एडिट के ऑप्शन पर जाता हूँ, जो भी लिखा गया उसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर अभी आपको नाम लिख लेना है जिसके बर्थडे का आप बना रहे हो डिज़ाइन पोस्टर। और यहाँ पर मैंने जैसे नाम सर्च किया, डन के ऑप्शन क्लिक करके आपको ओके कर देना है और ये जो टेस्ट है आपका, सॉरी बैक आता हूँ मैं, ये जो टेस्ट है आपका इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लाना है, साइज बड़ा कर लेना है और यहाँ पे इसको लगे सेट करना है। यहाँ पे पहले तो आप लॉक कर लीजिए, नहीं तो आपको एडिटिंग करने में परेशानी होगी। जैसे मुझे अभी देखिए दूसरा मैं सिलेक्ट कर रहा था, दूसरा कुछ सिलेक्ट हो गया था तो मैंने बाकी का जो भी यहाँ पे नहीं मुझे मतलब जो भी यहाँ पे मुझे एडिटिंग नहीं करना है उसको मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया हुआ है। और यहाँ पे अभी आपको इस नाम को सिलेक्ट करना है, चले जाना है यहाँ पे आपको जो है
फॉन्ट के ऑप्शन पे सॉरी कलर के ऑप्शन पे जाना है। कलर के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड 5 आपको जो भी कलर पसंद है वो कलर सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। और यहाँ पे आपको फॉन्ट के ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है माय फॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो अपने फाइल मैनेजर वाला ऑप्शन उसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको उसी फोल्डर में चले जाना है जहाँ से आपने बाकी का PNG ओपन किया रहेगा। तो उसी फोल्डर में आपको एक फॉन्ट देखने के लिए मिलता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो फोल्डर मेरा कहाँ पे है, तो जो फोल्डर यहाँ पे चलिए ढूंढ लेते हैं। फोल्डर का नाम है खेसारी लाल करके। तो यहाँ पे चलिए मैं फोल्डर कहाँ पे, यहाँ पे रहा, इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो इसमें एक फॉन्ट है जिसका नाम है इम्पैक्टेड, इसको आपको ऐड करने के लिए पिक्सल में इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऐड सिलेक्टेड का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको जो फॉन्ट रहेगा ऐड हो जाएगा आपके पिक्सल में। और अभी आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है इम्पैक्टेड, चलिए मैं यहाँ पे नाम सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे मैंने लिखा इम्पैक्टेड और यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ मैं जो सर्च करता हूँ, सॉरी यहाँ मेरा चेंज नहीं हो पाया वापस से, मैंने यहाँ पे फॉन्ट ही नहीं सिलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए वापस से सर्च करते हैं इम्पैक्ट करके, पहले ही मैं इतना ही लिख के सर्च कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है फॉन्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए वापस से एक बार ट्राई कर लेते हैं, शायद से इस बार आ जाए MPA। इतना ही मैं लिख के सर्च करता हूँ इस बार। तो यहाँ पे अभी भी नई फॉन्ट आ रहा है यहाँ पे। तो क्या करते हैं दोस्तों, अभी इसके लिए यहाँ मैं जो है इस पे जाता हूँ फॉन्ट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे जाता हूँ मैं रिसेंट में जाके यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जब आप सर्च करोगे तो आपको जो ध्यान से नाम को सर्च करना है, जो फॉन्ट का नाम रहेगा वही लिख के सर्च करोगे तभी आपको फॉन्ट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको इस फॉन्ट को यहाँ पे सेट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है जो शैडो के ऑप्शन पे, इसको इनेबल कर देना है। ब्लर रेडियस जो थोड़ा सा कम कर देना है और यहाँ पे थोड़ा सा कम करना है। और यहाँ पे आपको जो ओपेसिटी का ऑप्शन इसको थोड़ा सा कम, इसको भी कम कर देना है। ऊपर राइट की ऑप्शन क्लिक करके चले जाना है। यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव का ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है इसको थोड़ा थोड़ा जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से। जूम करने के बाद इसको आपको साइज कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। इधर इनेबल करके बढ़ाओगे तभी आपके यहाँ पे जो काम करेगा कुछ इस तरीके से सीधा को बढ़ाना है। और बढ़ाने के बाद आपको जो टेक्स्ट थोड़ा सा कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने के लिए आपको जो बैनर में मिलेगा, इसको आपको अभी जहाँ पे भी सेट करना है वहाँ पे सेट करोगे। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अभी आपको जो है जूम करके मैं आपको पहले जैसा दिखाऊँ तो देखोगे मेरा कुछ इस तरीके से डिजाइन स्टाइल बन चुका है। यहाँ पे दोस्तों अभी आप जो डेट डाल सकते हो, जो भी आपका डेट रहेगा बर्थडे का, जो भी आपका डेट रहेगा वो डाल सकते हो। यहाँ पे मेरा एक चीज़ नहीं दिखा रहा था फॉन्ट, चलिए एक बार वापस से ट्राई करते हैं। तो फॉन्ट का जो नाम है एक बार मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हो इम्पैक्टेड। तो यहाँ पे जो फॉन्ट का नाम है IMPACT, यही नाम है। तो चलिए सर्च करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा IMPACTED करके यही नाम है दोस्तों, मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट अभी आ चुका है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है इसे सर्च करके। तो आपको जो फॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा और इसको जहाँ पे भी यूज करना है वहाँ पे यूज कर देना है। तो बस दोस्तों आपको इतना ही काम करना है ये डिज़ाइन को बनाने के लिए, तो जाइए अभी बनाइए, इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ अभी। और यहाँ पे आपको बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको डेट डालना है और यहाँ पे आपको जो है मंथ का यानी कौन सा मंथ है वो नाम डालना है, बस इतना ही करना है। जैसे मैंने आपको ये टेक्स्ट लिख के दिखाया उसी तरीके से लिखना है। तो जाइए अभी बनाइए और जब आपका डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो जाएगा इसको आपको अपने गैलरी में सेव करना होगा। उसके लिए शेयर के ऑप्शन क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डायमेंशन के ऑप्शन में डिफॉल्ट का ऑप्शन नजर आएगा। नीचे यहाँ पे साइड में देखोगे डॉट है, डॉट पर क्लिक करके अल्ट्रा का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको जो भी डिजाइन बना रहता है वो डिजाइन आपकी गैलरी में जाकर सेव हो जाता है। पासवर्ड 2। तो बस आपको इतना ही काम करना है दोस्तों इस डिजाइन को बनाने के लिए, तो जाइए अभी बनाइए। चलिए आज की इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली हमारी जो भी नई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।